बात हम करेंगे बढ़ते झारखंड की नक्सलियों पर नकेल कसने की रघुवर सरकार की नीति का असर अब सूबे के गांवों में नजर आने लगा है। कभी लातेहार का गारू प्रखंड पूरी तरह से नक्सल प्रभावित हुआ करता था। यहां के डोमाखाड़ गांव में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। अब यहां के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इलाके में अमन है और ये सब हुआ है सरकार की पहल से। स्कूल में बेहतर भविष्य के सपनों को साकार कर रहे बच्चे लातेहार के गारू प्रखंड के डोमाखाड़ के हैं। कभी इस गांव में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी, लेकिन रघुवर सरकार की उग्रवाद पर नकेल कसने की नीति ने इलाके की तस्वीर बदल दी। अति पिछड़े इलाके में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने को लेकर आवासीय स्कूल खोला गया। शुरुआत में केवल 10 बच्चे थे, लेकिन बाद में यहां 85 बच्चों का नामांकन हुआ। सुनिए बच्चों की जुबानी इलाके के बदलते तस्वीर की कहानी। पहले उग्रवादी आते थे और यहां डराते थे, इसी के कारण बच्चे लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे। अब यहां सभी बच्चे पढ़ने लगे। लड़के आते थे पढ़ने के लिए, अब 2-3 साल से यहां बच्चा सब आने लगे हैं और यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है और सब यहाँ बच्चा रहने लगे। लातेहार के इस इलाके में बदलते झारखंड की तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ पहली कक्षा से लेकर 8वीं क्लास तक की पढ़ाई हो रही है। इलाके में तेज गति से दूसरे विकास के काम भी हो रहे हैं। लोग भी मानने लगे हैं कि इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं तो जरूर आगे बढ़ेंगे। जी, 3 साल के दरमियान हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया हुआ है। इस क्षेत्र में विद्यालय जो प्रभावित अन्य कारणों से होता था, वह आज कारण नहीं रह गया है और बच्चे स्वतंत्र रूप से विद्यालय में आ रहे हैं। जिले के ITDA निदेशक मानते हैं कि पहले नक्सलियों के डर की वजह से बच्चों की उपस्थिति नहीं होती थी, लेकिन अब बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और ये सब मुमकिन हुआ है सरकार की पहल की वजह से। पहले बच्चों की उपस्थिति काफी कम रहती थी, उग्रवाद प्रभावित इलाका होने के कारण बच्चे विद्यालय से नहीं जुड़ते थे। सरकार के निर्देश के आलोक में विद्यालयों की व्यवस्था को काफी दुरुस्त किया गया है। खान पान से लेकर विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर की गई है। रघुवर सरकार का मकसद सूबे में शिक्षा की अलग जगाना है और दूर दराज के इलाकों के बच्चों को शिक्षित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।